केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए महंगाई से देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2% वैट कम किया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। लेकिन दूसरी ओर ATF यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल के दामों में कमी आने के बजाय दाम बढ़े हैं। ये बढ़ोतरी हालांकि 1 मार्च से ही लागू हो गई है और इसका असर हवाई यात्रियों और एयरलाइंस पर साफ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। एक तरफ सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2% वैट कम करके आम लोगों को राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ ATF यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ी हैं। इसकी कीमतें कम या ज्यादा होने पर इसका सीधा असर एयर टिकटों पर पड़ता है, जबकि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से एयर फ्यूल केवल 2% ही कर दिया था और उसके बाद अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1 मार्च 2024 से देश भर में एयर फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और यही कारण है कि इसका असर हवाई टिकटों पर भी नजर आ रहा है। अगर ATF की कीमतें कम होंगी तो एयर टिकटों के दाम भी कम होंगे और फ्लाइट्स के रद्द होने का सिलसिला कम होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे 2% वेट कम किया गया, उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई, लेकिन इन सब के उलट असर हवाई सेवाओं पे देखने को मिला, जहां पर एयर टरबाइन फ्यूल के अंदर कम होने के बजाय उसको और महंगा कर दिया गया। 1 मार्च से ये दरें लागू भी कर दी गई, इसका असर सीधा हवाई टिकटों के ऊपर नजर आ रहा है। देश के 4 महानगरों में ATF की कीमत, डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत दिल्ली में 624.37 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 101,396.54 रुपए प्रति किलोलीटर, 1 किलोलीटर में होता है 1,000 लीटर। मार्च से पहले लगातार 4 महीने ATF सस्ता रहा। ATF की सबसे ज्यादा कीमत दिल्ली में है, ATF की सबसे कम कीमत जयपुर में है। कोलकाता में 499.50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कीमत 110,296.83 रुपए तक हुई। मुंबई में ATF की कीमत 94,809.22 रुपए प्रति किलोलीटर, चेन्नई में 105,398.63 रुपए प्रति किलोलीटर तक दर्ज की गई है। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें तय करती हैं कि एयरपोर्ट पर फुटफॉल कितना होगा। कीमतें ज्यादा हैं तो एयर टिकट महंगे और कीमतें कम तो एयर टिकट सस्ते होते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर देश में सबसे सस्ता ATF होने के बावजूद पिछले लंबे समय से जयपुर एयरपोर्ट को यात्रियों की कमी से उबरने की कवायद कर रहा है और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। नई फ्लाइट शुरू होती है लेकिन कुछ ही समय बाद शेड्यूल से गायब हो जाती है। दूसरे शहरों में ATF महंगा होने के कारण फ्लाइट्स का रद्द होना या टिकटें महंगी होना समझ में आता है, लेकिन जयपुर में सबसे सस्ता ATF होने के बावजूद फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पे ATF सस्ता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब एयर टरबाइन फ्यूल सस्ता जयपुर में मिल रहा है तो उसके बावजूद यात्रियों से ये किराया वसूलने की छूट किसने दे रखी है, और ऐसे के अंदर जब ATF सस्ता मिल रहा है तो समय पे फ्लाइटों का संचालन क्यों नहीं किया जा रहा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।